हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की वीडियो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए जो कि कनाडा का रिसेंट न्यू अपडेट आया है आपको पता होगा कि ट्वेंटी सेकेंड जन को आई ने अनाउंस किया था कि जो स्टूडेंट्स यहां पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हैं या फिर डिप्लोमाज में है दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट बट आज का जो न्यू अपडेट आया है नाइनटीन मार्च को जो अपडेट आया है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ आई आर सी सी ने अपडेट्स की हैं जो थोड़ी बैड भी हैं एंड गुड भी हैं तो चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो यार बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट क्या होता है कि जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर कनाडा में पढ़ाई करने आता है एंड उसके बाद उसको अपने स्पाउस को यहाँ पर बुलाना है अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को यहाँ पर बुलाना है तो दे कैन अप्लाई फॉर अ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट ठीक है बट गवर्नमेंट ने ट्वेंटी जनवरी को कुछ अपडेट्स किए थे स्पाउस ओपन वर्क परमिट में कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मास्टर्स और डॉक्टरेट कर रहे हैं सिर्फ वही एलिजिबल होंगे स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए बट अब नाइनटीन्थ मार्च को गवर्नमेंट ने न्यू बैन कर दिया है स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे जिन्होंने उनकी एप्लीकेशंस नाइन्टीन मार्च से पहले अप्लाई की हैं वो तो सही है बट जो लोग अब अप्लाई करेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लीकेशन हो गई हैं बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ कोर्सेज कुछ डिग्रीज भी एड ऑन की हैं एक्सेप्शन एड ऑन किए हैं कि अगर आपका स्पाउस इन डिग्रीज में एनरोल्ड है फुल टाइम स्टूडेंट है तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अब उन जो कोर्सेज की लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दूंगी और मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ मैंने नोट डाउन किया है जिसमें फर्स्ट डिग्री है डॉक्टरेट ऑफ डेंटल सर्जरी बैचलर्स ऑफ लॉ तो इनमें इन्होंने बैचलर्स भी इंक्लूड किया है जिसमें कुछ बैचलर्स इंक्लूडेड है बैचलर्स ऑफ लॉ बैचलर्स ऑफ ज्यूरिस डॉक्टर

इन डिग्रीज में एनरोल्ड है फुल टाइम स्टूडेंट है तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट सॉरी फॉर अ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है बट उनके लिए ये बैड न्यूज है जिन्होंने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है एंड वो अब अप्लाई करेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी अब ये कॉम्प्लिकेशन है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एंड ऑल्सो जो लोग एलिजिबल है उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी उनको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप का एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए यहां पर लगते हैं उनके साथ उनको अप्लाई करना पड़ेगा अनदर अपडेट है आई की तरफ से कि जिनके स्पाउस यहाँ पर ऑलरेडी है जिन्होंने अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट एक्सटेंड कराना है तो उनके ऊपर इसका कोई अफेक्ट नहीं है के लिए जो पहले कंडीशंस थी कि आपका स्पाउस वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए एंड एलिजिबल होना चाहिए पीजीडब्ल्यूपी के लिए तो आप पे कोई अफेक्ट नहीं होगा बट जो लोग अब मार्च के बाद अप्लाई करेंगे एंड मे बी अगर वो डिप्लोमा कर रहे हैं तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पाउस एल ओपन वर्क परमिट अब यार इसका सोल्यूशन क्या है तो सोल्यूशन यार यही है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो कोई और ऑप्शन सर्च करो या फिर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपना पीजी लो एंड उसके बाद ओपन वर्क परमिट अपने स्पाउस का अप्लाई कर दो एंड या फिर कुछ और वर्क परमिट्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सप्लोर करो बट इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आईआरसीसी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है हर जगह पर क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे हो गए हैं तो मेक श्योर sure कि जो भी आप प्रोसेस करो टाइम को देख कर करो आप डिले मत करो अपनी एप्लीकेशन्स में जो भी अपडेट आ रहा है उसको उसी टाइम ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन्स पे वर्क करो सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे एंड सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ब बाय